जोहार झारखंड, झारखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे टेनू घाट न्यायालय के पास में कोर्ट के सामने JBKSS के सक्रिय सदस्यगण जो न्यायालय के चक्कर काट रहे थे, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग न्यायालय का चक्कर काटने का क्या ऐसा मुसीबत पड़ गया जो आप लोग न्यायालय के द्वारा मतलब आप पहुँचे आज। देखिए, हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का, उसमें क्या था कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है तो विथ परमिशन हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें ये हुआ था कि हम लोग जो कार्यक्रम था 28 मार्च 2024 के लिए, उसमें हम लोगों ने परमिशन मांगा था 10 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात तक, लेकिन हमें परमिशन ग्रांट हुई थी 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, लेकिन परमिशन ग्रांट की समय काट दी गई, लेकिन हमारा जो सभा स्थल था उसको नहीं काटा गया। मतलब जो सभा, जैसे 10 सभा हमारे पास है तो 10 का 10 का शेड्यूल दिया गया था, उसी क्रम में पहुंचने में हम लोगों को विलंब हुई, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीमो को वहां पे नहीं बुलाया था क्योंकि हम लोग कैंसिल करना चाहते थे। अब पब्लिक की बैठक थी, पब्लिक वहां बैठी हुई थी, उसी को लेकर आचार संहिता के मामले में हमें 188 का धागा लगा के यहाँ से केस किया गया था, और एक धागा लगी थी 171C और 171F। तो जस्ट आपने बोला कि 171 तो फालतू लगा हुआ है, इसको तो निरस्त करते हैं, 188 केवल लगा है वो कुछ दिनों में बोले कि केस ही डिसमिस हो जाएगा, ये अनलीगल है क्योंकि आपने 10 बजे से लेकर 10 बजे तक का परमिशन मांगा है। तो आप वहाँ जो प्रोग्राम कर रहे थे, किस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे थे आप? जनता के बीच में राजनीति को लेके गए थे या फिर सामाजिक के लेके गए थे या कुछ? आप लोग का कुछ तो होगा, मैटर होगा। देखिए, हम लोग अभी जन जागरूकता को लेके जा रहे हैं और JBKSS अभी समिति है वो बता गई कि वोट कैसे देना है। अभी हमारा कल ही प्रत्याशी का घोषणा हुआ है कि हम लोग JBKSS की ओर से, JLKM की ओर से टाइगर जयराम महतो जी लोग गिरिडीह लोकसभा से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। तो उस समय तो हम लोग ये एज ये बगबली जा गए थे कि जन जागरूकता के लिए, उस समय हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था गिरिडीह से लेके, लेकिन हम लोग प्रोटोकॉल सीखने का प्रयास कर रहे थे कि प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से परेशान किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग का मेन गोल तो अभी लोकसभा है ही, साथ में विधानसभा में हम लोग को पूरा जोर से अटैक करना है। तो इसीलिए प्रोटोकॉल को जितना अच्छा से सीख सकते हैं हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे थे, उसी बीच में हम लोगों के बीच में ये आचार संहिता का केस डाला गया। तो अभी जिस क्षेत्र में आप लोग सभा कर रहे थे वो वहाँ के लोगों ने विरोध किया या फिर कोई अधिकारी आप लोग को इस चीज़ को मैंने रोक लगाया कि नहीं आप लोग ये जो उल्लंघन कर रहे हैं, इस चीज़ का जांच कौन किया? वहाँ के ग्रामीण ने इस चीज़ को लेकर थाना में इंफॉर्मेशन दिया या फिर अधिकारी खुद जाके निरीक्षण किए कि आप लोग जो समय सीमा जो दिया गया था वो समय में आप लोग काम अपना नहीं कर रहे हैं, समय के बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो आचार संहिता का जो नियम कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का सूचना दिया अधिकारी को या अधिकारी खुद वहाँ गए थे मतलब निरीक्षण करने के लिए? देखिए, ये आप भी जानते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में कि जब तक कोई गांव के लोग नहीं कंप्लेन करते हैं तब तक कंप्लेन होता नहीं है। अधिकारी इतने फुर्सत में नहीं होते हैं कि आप सभा कहाँ कर रहे हैं, कितने बजे तक कर रहे हैं, उसको देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, इतनी फुर्सत में नहीं होती। ये हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने कंप्लेन किया है, लेकिन हाँ, जो चुनाव आयोग का फास्टैग जो दल होता है, उड़नदस्ता करके जो दल होता है, उसके वही हमें ये किए हैं। और एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए नियम कानून अगर बनता है तो गुने चुने लोगों के लिए बनता है या सबके लिए बनता है? अभी हम लोग देखते हैं जिस क्षेत्र में आप बात रख रहे हैं उस क्षेत्र में भी बहुत सारा छोटा छोटा मतलब मीटिंग हो रहा है अन्य दल का भी, उन सबों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और सिर्फ JBKSS के लड़कों पर ही क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, JBKSS के लड़कों को पक्का पक्की टारगेट किया जाता है और इंटरनली खोज खोज के टारगेट किया जाता है कि इसको टारगेट किया जाए। ठीक है, हम JBKSS में हमें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे नाम पे FIR हुआ। और ये सही आपने बोला कि अदर पार्टियों के नहीं होते, क्योंकि CEO BDO जो आचार संहिता में जो आगो होते हैं, ये लोगों की कैपेसिटी है ही नहीं उन लोगों को केस करने की, क्योंकि ये जैसे ही उनके ऊपर बोलेंगे ना, ये सभी आचार संहिता का जो नियम है सब उल्टा पढ़ा देंगे उनको, तो उन लोगों की बस की बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। और एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि JBKSS जो इनके ऊपर जो चुन चुन के लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, क्या आप लोग समाज के विरोध में कोई काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमें एक तो मानना पड़ेगा यदि उनका कहना सही है, 9:30 बजे रात तक हम लोग सभा किए, मानना पड़ेगा उनको, 9:30 बजे तक ग्रामीण बैठे हुए थे। ये तो उनको भी सोचना पड़ेगा ना कि किस रूप में ग्रामीण को हम लोग बैठ के रहते हैं, ग्रामीण कितना आदर देते हैं, वैसे ग्रामीणों को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, ये भी मानना पड़ेगा, जबकि हम लोग 10 बजे से पार नहीं किए। उड़नदस्ता का जो केस है उसमें फाइल किया गया कि 9:30 बजे तक सभा हुआ, हम लोगों ने 10 बजे तक परमिशन मांगा था, उन्होंने 8 ही बजे तक परमिशन दिया। अब ठीक है, 8 बजे तक परमिशन दिया, आपको सभा स्थल कैंसिल कर देना चाहिए था कि आपको कोर्ट से नहीं जाना है, हम लोग नहीं जाते, लेकिन सभा स्थल कैंसिल नहीं किए, हम लोग घोषणा कर दिए सभा स्थल का, समय नहीं मिला हम लोगों को। तो और एक चीज़ हम अपना आप लोग से जानना चाहते हैं कि आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में अभी लोकसभा में 3 प्रत्याशी हैं, माननीय CP चौधरी जी हैं, माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी हैं और आप लोग के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं, तो उस क्षेत्र में जो भौगोलिक दृष्टि से
आप लोग वहाँ के लोगों के रुझान किस तरफ ज्यादा है आप लोग? देखिए, ये लोगों से ही आपको पूछना चाहिए क्योंकि आप लोग मीडिया प्रभागी लोग हैं। हम लोग प्रत्याशी कुछ बोल नहीं पा रहे। आपने अभी तक जो गिरिडीह प्रभागी हैं एनडीए गठबंधन के सीपी चौधरी जी, उनका एक भी अभी वक्तव्य नहीं सुना होगा आपने। आपने सुना इंडिया गठबंधन का मथुरा प्रसाद महतो जी, उन्होंने क्या बोला, जनता जिसको जिताएगी, मतलब वो हार मान चुके हैं, ठीक है। और किन्हीं का वक्तव्य आ ही नहीं, बोले तो बोले क्या, लोग तो बोल रहे हैं कि आने तो दीजिए कम से कम, तब ना हम पूछें कि मेरे गांव में आपने क्या किया है। इसके डर से कोई वक्तव्य नहीं दे रहे, बस अपना जो पार्टी प्रोटोकॉल है उसके तहत बिना परमिशन का मीटिंग होते जा रहा है। हम लोग जब मीटिंग के लिए सीईओ को पूछते हैं कि वहां पे मीटिंग चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास लिखित आवेदन है, मुझे कोई जानकारी नहीं, और केस करने बोलते हैं, बोलते क्या उलझते हो। ऐसा नहीं हो सकता ना, एक पार्टी के लिए आप सीधे FIR डाल देते हैं और एक पार्टी के लिए आपके पास लिखित आवेदन भी नहीं आता है कि हम परमिशन लिए कि नहीं लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकारी सब भी जो है जो सत्ता पक्ष में है जो सबका पक्ष को लेके चलते हैं और आप लोग को रुकावट डाल रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात होती है कि जो अभी जो सत्ता में है उन सबों के दबाव से ही आप लोग पर रोक टोक लगाया जा रहा है। तो उन सब अधिकारी को या फिर जो सत्ता पक्ष में उन सबों को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग से बोलिए। नहीं, हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वो चीज मत सिखाइए जो आप करते हैं। हम लोग एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है। हमें उस रूप में, उस पाइप में मत धकेलिए जहाँ पे आपने जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था उसको हम लोग फॉलो करने में मजबूर हो जाए। हम लोग एक नया सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, नया परिवेश देना चाहते हैं राजनीतिक में, इसलिए हम लोग उस मानसिकता में जा ही नहीं सकते कौन पार्टी बिना परमिशन का कर रहा है, हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हम लोग वो सीखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जोहार आप लोगों का।